शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगने से शहरवासी अब बहुत ज्यादा परेशान होने लगे हैं। पूरे शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। लोगों ने कहा जिस स्थान पर कूड़े को नहीं डाल सकते वहां पर भी कूड़े का ढेर जमा हो गया है। इससे साफ पता चलता है कि शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। शहर के हर गली कोने खुले स्थान पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, पर प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कुछ दुकानदारों ने यह भी कहा कि उनकी दुकानों के सामने भी कूड़े का बहुत ज्यादा ढेर लगा हुआ है। दुकानों के सामने कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है, लेकिन आसपास के कॉलोनियों से कूड़ा उठाने वाले कूड़ा उठाकर यहां लाकर डाल जाते हैं। जिस जगह पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है वो जगह कूड़ा डालने की नहीं है। अब इस कूड़े के ढेर को देख दूसरे लोग भी यहां कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहां कूड़े का ढेर लग चुका है। पिछले काफी दिनों से यहां से कूड़े के ढेर को उठाया भी नहीं गया है। अब यहां से निकलने वाले लोगों को भी काफी परेशानी और बदबू का सामना करने पड़ता है। और क्या कहा, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। ये सफाई जो कर्मचारी हों वो भी फेंकते हैं, और तुम्हारे जो ये उठाए के ले जाते हैं ना, ये जो इको ग्रीन वाले वो भी हमें फेंके हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, ढेर ऐसा लग जाता है बहुत ज़्यादा कहीं। और मैं जो कहूँ ये तो आज बदबू नहीं आ रही है, इतनी बदबू आती है ना, पूछ लो पड़ोसी ने, ये कहते कहते थक गए, कोई सुनाई नहीं है, कुछ नहीं है। और ये उठना चाहिए, और ये ऐसी बात नहीं, तो ये ना होना चाहिए। तो ये क्या कूड़े फेंकने वाली जगह है? ना, बिल्कुल नहीं। किस चीज़ की जगह है ये? ये तो बिल्कुल साफ सुथरी जगह ही पहले, ये तो अब जो कूड़े फेंकने वाली जगह अब बनाई है, ये तो ज़्यादा 2 महीना से। अगर पॉल्यूशन फैलता है तो उससे क्या दिक्कत होती है? उससे आदमी ठहर ना सके, पॉल्यूशन तो पहले ही भुते रहो है। आप बुजुर्ग हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा। किस तरह की होती है दिक्कत? जैसे घुटन सी होती है, हाँ, सांस लेने में। किस तरीके से लगाम लगाना चाहिए? आप देखो इसे, मतलब कैसे करोगे, कैसे ना करोगे, तो हाँ। चंद्रवती जी, जहाँ आपकी दुकान है वहाँ पर देख रहे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ढेर लगाओ सर, गंदगी मची पर या कोई सुनवाई करे ना है, क्यों तो लड़ने को आम है उल्टे सीधे बोले। कौन फेंकता है ये कूड़ा यहाँ पर? ये कॉलोनी में थे जो रिक्शा वाले हैं, जो जमादार फेंक के जावे सारे। तो कभी किसी ने कहा नहीं है कि यहाँ क्यों फेंकते हो कहीं और? अब कितनी बार कह दी, और इनसे दीपक चंदे कह दी, मुंशा शर्मा से भी कह दी, कह रहे और जगह ही नहीं है, यही जगह है तो यही कूड़ा पड़ेगा, और क्या पड़ेगा। ये जगह है वैसे कूड़ा फेंकने वाली? ना, पहले तो नहीं था, अभी दो तीन महीना से हुआ है गंद। तो कोई उठाता भी नहीं है? उठाते हैं, कह दे तो ज़्यादा उठवा, आधा उठा में आधा छोड़ जा, मैं आधा उठा में आधा, ये ज़्यादा ही फैलता जा रहा है। परेशानी क्या होती है इससे? परेशानी ये बदबू ही आती है इससे, बीमारी पैदा होती है। अभी चल तो रहे बीमार, 15 दिन से दवाई खा रही हूँ मैं तो, 20 दिन से। उठा कब से नहीं है? अब तो कई दिन से ना उठाओ, बीच में आधा जब उठा ले गए, कहना सुनो ज़्यादा करो, ज़्यादा बदबू आ रही, और फिर बाकी बात कोई सुनवाई ना करे, क्या करें। अब क्यों तो जमादा लड़ने को, हम बदतमीजी करे, अब हम लेट से आदमी ने की उल्टी सी सो सुनेंगे।